नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2022-23 यानी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइलिंग अब शुरू हो चुकी है। और एज एन इंडिविजुअल यदि आपको ये डिसाइड करना हो कि क्या आपको असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आईटीआर भरना जरूरी है या नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। अब दोस्तों, आपके साथ सबसे पहला प्रश्न ये डिस्कस करता हूं, व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। दोस्तों, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब समझिएगा कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनकम की वो अमाउंट है, इनकम की वो वैल्यू है जितने तक इनकम टैक्स बाय डिफॉल्ट नहीं लगता। तो एक प्राइमा फेसाई मार्केट में जो परसेप्शन होता है वो ये होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आपको रिटर्न भरना है रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, नहीं तो रिटर्न नहीं भरना। तो तीन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहां पे लागू होती हैं, 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। ये क्या है सर? यदि किसी व्यक्ति की एज ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर लेस देन 60 ईयर ही रही है, 60 ईयर टच नहीं करी, तो सर उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपीज है। यदि आपकी एज ग्रेटर देन इक्वलेंट टू 60 ईयर है पर लेस देन 80 ईयर है तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एज अ रेजिडेंट 3 लाख रुपए है। और यदि आपकी आयु रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 80 ईयर या प्लस हो चुकी है तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपीज की है। ज्यादातर लोग अपने आईटीआर का डिसीजन इसी पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं कि क्या उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर गई या नहीं कर गई, लेकिन इस विषय पर और क्लैरिटी की जरूरत है जो मैं आगे आपके साथ में डिस्कस करता हूं। दोस्तों, ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं वो एक लेमैन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे समझने का कोशिश करिए। इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम इज अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बट टोटल इनकम इज बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वेदर आईटीआर वुड बी रिक्वायर्ड और नॉट। मैं दोस्तों आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि अगर आईटीआर किसी व्यक्ति को भरनी है इनकम टैक्स लॉ में, तो उसका जो बेसिक सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ का, दैट इज सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें आईटीआर भरने का जो क्राइटेरिया है वो शुरुआत में तो लिखा है टोटल इनकम, लेकिन उसको बाद में एक प्रोविजो से मॉडिफाई करके कर दिया गया ग्रॉस टोटल इनकम। आप कहेंगे अनुप जी ये बात हमें समझ में नहीं आई, मैं और स्पष्ट रूप से आपके सामने रखता हूं सर, कि आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल हैं जिसकी 4.5 लाख रुपीस की ग्रॉस टोटल इनकम है और आपके पास में 1.5 लाख रुपीस का एटीसी का डिडक्शन है और एटीसीसीडी में एनपीएस में आपने सबसेक्शन 1B में 50,000 का कंट्रीब्यूट किया, तो आपके पास में नेट अमाउंट जो टैक्सेबल बच गई वो अमाउंट अब बची 4.5 माइनस टोटल 2 लाख, 2.5 लाख। तो अभी आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि अनुप जी मुझे आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 139 में यह लिख दिया गया कि आईटीआर भरने के पर्पस से आपकी हम टोटल इनकम को कंपेयर नहीं करेंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, हम ग्रॉस टोटल इनकम को कंपेयर करेंगे। यानी मेरे एग्जाम्पल में अगर टोटल इनकम से कंपेयर किया जाए जो कि 2.5 लाख है, आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ग्रॉस टोटल इनकम 4.5 लाख से कंपेयर किया जाए अज्यूमिंग दैट एसएससी के 35 इयर्स है, तो सर रिटर्न भरना मैंडेटरी है। इसीलिए जानबूझकर दोस्तों मैंने ये पॉइंट आपके सामने रखा कि सर आईटीआर भरने के पर्पस से जो आप थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख की लेते हैं वो टोटल इनकम की नहीं होगी, वो ग्रॉस टोटल इनकम का फिगर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे आपको यहां लेना है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके सामने रखता हूं सर, कि आईटीआर भरने के लिए आपको क्या मैंडेटरी रिटर्न भरने की आवश्यकता होगी क्या, जब आपकी टोटल इनकम निल हो गई या टोटल इनकम नेगेटिव हो गई। अब दोनों अलग अलग प्रश्न है सर। मान लीजिए आपके पास में किसी एक हेड में इनकम है 12 लाख और दूसरे हेड में लॉस है 12 लाख का, और ये दोनों आपस में एडजस्ट होकर के निल हो गए, क्या रिटर्न भरना मैंडेटरी है? तो मैं सिंपल स्टेट अवे टर्म में बोलूंगा सर, जब तक आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सर आप समझिए कि कोई व्यक्ति जो एक हेड में 12 लाख कमा रहा है और दूसरे हेड में 12 लाख का लॉस है उनके पास में, यानी उनके पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो है, तो मैं ये कहूंगा कि रिटर्न भरना मैंडेटरी तो नहीं है परंतु रिटर्न भरनी चाहिए।
इसका एक और एक्सट्रीम एग्जाम्पल ये हो सकता है सर कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बिजनेस में ही 25 लाख का लॉस है, या तो जिसको हम पीजीबीपी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोविजन, या उनके पास केवल 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और कोई इनकम है ही नहीं, तो क्या इस व्यक्ति के लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। लेकिन प्रैक्टिकली इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है? अगर आपको लॉसेज हैं और आप उन लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, बिजनेस के लॉसेज और कैपिटल गेन से रिलेटेड लॉसेज, तो आप जब तक रिटर्न नहीं भरेंगे आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? प्रैक्टिकली यू आर सपोज टू फाइल आईटीआर। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टेक अवे विच यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। अब दोस्तों एक और तरीके से आपके आईटीआर भरने या ना भरने की कंपल्शन को डील करता हूं कि व्हाट इफ द कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54 to 54 DB। मान लीजिए सर एक असेसी है मिस्टर एक्स, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची से दैट ही सोल्ड फॉर 56 लाख रुपीज, और उनकी कॉस्ट थी पीछे 20 लाख रुपीज की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 36 लाख रुपीज का, उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने से। नाउ सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आपने अगर एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अमाउंट या उससे ज्यादा की खरीद ली तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। अब इस संदर्भ में एक विशेष व्यवस्था क्या है सर कि जो अभी मैंने आपके साथ सेक्शन 139 की चर्चा करी थी, जो ये कह रहा था कि आपकी आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट में हम ग्रॉस टोटल इनकम देखेंगे, 2 वर्ष पूर्व उसमें भी अमेंडमेंट हुआ और उसमें भी ये कहा गया कि आईटीआर भरने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करने के पर्पजेस से आपकी इनकम विदाउट एग्जम्पशन ऑफ 54 to 54 GB देखी जाएगी। यानी जिस व्यक्ति के मान लीजिए केवल 36 लाख का कैपिटल गेन है और सेक्शन 54 में वो 36 लाख का कैपिटल गेन क्लेम करने के हकदार है, तो वो ये कह सकते हैं कि मेरी तो अनुप जी टोटल इनकम नील है, मुझे रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब आप चलेंगे सेक्शन 139 पर, वो क्या बोलता है कि आईटीआर भरने के पर्पस से हम आपकी टोटल इनकम विदाउट 54 सेक्शन के एग्जम्पशन के देखेंगे। तो इसका मतलब उनकी टोटल इनकम कितनी हो गई सर? 36 लाख, रिटर्न भरना मैंडेटरी हुआ। ये भी एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था आपको ध्यान रखनी है। अब ये व्यवस्था इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है और आप रिटर्न नहीं भर रहे और कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस देकर रिटर्न भराया, तो आपको सेक्शन 234F में फीस भी देनी पड़ेगी। तो उस प्रस्पेक्टिव से यह समझना जरूरी है कि वेदर आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी और नॉट। अब बात करता हूं दोस्तों कि जो मैंने आपके साथ कैटेगरीज डील करी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ, उसके अलावा भी कुछ और स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं जिनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। वो कौन कौन है? नंबर 1, इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यू हैव डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल द आईटीआर। कोई जना बिजनेसमैन है सर, उनके पास मान लीजिए जीएसटी है या नहीं है, पर उन्होंने अपने खाते में एक करंट अकाउंट में या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर में ₹1 करोड़ से ज्यादा राशि जमा करा दी, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, रिटर्न भरना मैंडेटरी है। इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यू हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ग्रेटर देन 2 लाख फॉर योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री। ये मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे को विदेश पढ़ाई के लिए भेजा और उस पर 3 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवल पे खर्च हुए, तो सर ये 3 लाख रुपए का खर्चा क्योंकि उन्होंने किया है, चाहे आईटीआर के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक्सीड करते हैं या नहीं करते, रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट, इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यू हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर साल भर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका ₹1 लाख से ज्यादा का है तो भी आपके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी उन असेसीज के लिए जिनके पास विदेश में अकाउंट है, विदेश में कोई साइनिंग पावर है। इफ यू आर एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब क्या है सर के रेजिडेंट में 2 कैटेगरी होती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं और आप होल्ड करते हैं एज अ बेनिफिशियल ऑनर और अदरवाइज एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और यू हैव साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल आईटीआर। सिमिलरली इफ यू एज एन असेसी आर बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट including any financial interest in an entity located outside India, then also it is mandatory for you to file ITR in India। ये एक important व्यवस्था भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों आजकल बहुत ध्यान है भारत सरकार का कि आपके पास विदेश में कोई संपत्ति है क्या, तो आप उसके प्रति सतर्क रहिए, रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा।
एक और क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा जाता है, व्हाट इफ आफ्टर क्लेमिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए टैक्स पेबल इज नील। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर कि मान लीजिए मेरे पास में तो टोटल इनकम है 4,50,000 रुपीज की, ओके। अब 2.5 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। पहला क्वेश्चन आपका हुआ अनूप जी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। मैंने तो पहले ही बोला सर कि ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है नॉन सीनियर सिटीजन की रिटर्न भरना मैंडेटरी है। आंसर तो मैंने वहां भी दिया लेकिन दूसरे परस्पेक्टिव से आंसर देता हूं। आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं अनूप जी 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी, बाकी बचे 2 लाख, इस पे 5% के हिसाब से मुझे 10,000 टैक्स बनता है, लेकिन 87 ए सेक्शन में मुझे रिबेट मिलेगी अनूप जी 12,500 की या एक्चुअल टैक्स से 10,000, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी तो मेरी निल है ना, क्या मुझे रिटर्न भरना मैंडेटरी है? यस सर, मेरा आंसर है इवन इफ आफ्टर अप्लाइंग 87 ए रिबेट योर टोटल इनकम इज योर टैक्स लायबिलिटी इज निल, यू आर लाइबल टू फाइल द ITR सिंस योर ग्रॉस टोटल इनकम हैज एक्सीडेड बेसिक एग्जम्पशन। एक बात दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए कहना चाहूंगा कि फाइनेंस एक्ट 2021 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 से ही सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्था आई सेक्शन 194P की, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो कि इंडिविजुअल हैं और रेजिडेंट इन इंडिया हैं और जिनकी एज रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 75 साल या उससे ऊपर है और उनके पास में पेंशन की इनकम है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट की इनकम के अलावा, और वो उस बैंक को जिससे उनको पेंशन आती है उसको एक डिक्लेरेशन निर्धारित फॉर्म में सबमिट कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो रिटर्न भरने से एग्जम्प्ट है। तो सर ये एक कैटेगरी ऐसे सीनियर सिटीजन की है जिनको रिटर्न भरने से स्पेसिफिकली एग्जम्प्शन है। तो दोस्तों अक्सर मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में ये बात कहता रहता हूं रिटर्न न भरने से रिटर्न भरना अच्छा है। मैं अभी भी ये चीज सजेस्ट करूंगा सर कि अगर आप कंपलसरली रिटर्न भरना आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है और आप फिर भी रिटर्न भरते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको रिटर्न भरने के अनेक फायदे दूसरे रूप में भी मिल सकते हैं कि आपकी इनकम का वो एक प्रूफ बन रहा है, आपके बैंक में लोन लेने के पर्पजेस से वो इनकम स्टेटमेंट काम आएंगे। तो मेरा तो जनरली सजेशन रहता है कि यस सर रिटर्न शुड बी फाइल्ड एंड बाय ईच एंड एवरी पैन होल्डर। बहुत सी बार सर कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है कि इस व्यक्ति ने 15 लाख की FD कराई तो पैसे कहां से आए? अरे भाई 15 लाख की FD हो सकता है मुझे गिफ्ट मेरे किसी पेरेंट्स की ओर से मिली हो, किसी रिलेटिव से मिली हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो 15 लाख की FD की सूचना है और मैंने रिटर्न नहीं भरी क्योंकि मेरे को मान लीजिए 15 लाख पे 1 लाख ब्याज आया विच वॉज बिलो एग्जम्पशन लिमिट और मेरी और कोई इनकम नहीं थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस फिगर से चलता। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों इवन इफ योर इनकम इज बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माय सजेशन टू यू इज यस यू शुड फाइल रिटर्न, यू शेल फाइल रिटर्न ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वीडियो से आपको दो चीजें मिलेगी, एक रिटर्न भरना कब मैंडेटरी है, दूसरी ये मेरे अंत वाली बात कि यदि मैंडेटरी नहीं है और आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है चाहे शेयर मार्केट के FD के रियल एस्टेट के आप रिटर्न भरिए तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। जय हिंद।